लागू था बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली नियमन स्थानांतरण 2023, इसमें था कि भारत का निवासी, भारत का और बिहार का मूल निवासी यानी भारत का नागरिक सिटीजनशिप और बिहार का मूल निवासी होना चाहिए था। परंतु जो चीजें सामने आई और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पूर्व मुख्य सचिव अमित सुहानी और ACS के पाठक सरकार कि हम नहीं इसलिए बदलना चाहते हैं, डोमिसाइल को लाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। वो दोनों का मीटिंग हुआ था। हाँ, मीटिंग नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस के साथ वार्ता हुई थी कि जो समस्याएं हो सके, कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े, तो हम वही चीज कहना चाहते हैं कि आप 10-20 राज्यों का उदाहरण तो ले लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको कोई उत्तर प्रदेश से दुश्मनी है या झारखंड से हमको कोई, हमारे वहाँ के भी भाई बहन अभ्यर्थी हमारे ही अपने हैं, सब भारत के ही लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नौकरी में देने में कहीं जाने में कहीं दिक्कत अगर है तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री का दिल इतना बड़ा हो गया। अगर उत्तराखंड में आपको शिक्षक बनना है, खैर छोड़िए ना, उत्तर प्रदेश में अगर बनना है तो आपको वहां रहना पड़ेगा 5 साल। झारखंड में है तो झारखंड भी डोमिसाइल, हर राज्य अगर डोमिसाइल दे रही है तो 10% से 15% हार्डली। लेकिन अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, तेजस्वी यादव ने कहा था खुला एकदम कि हम वो शख्स हैं जिसके चलते यूपी वालों को नौकरी मिला, तो इनडायरेक्टली तो तेजस्वी जी हो गए ना। देखिए बात हम तेजस्वी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, लड़ाई उन लोगों का दूसरा लड़ाई चल रहा है, वो चल रहा है कि हमने नौकरी दिया, और हम जो जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं कि आपने जो नौकरी दिया आपने किनको दिया। हम बिहारी बनाम बाहरी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर बहाल हो गए, चाहे बिहार के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाटा छुपाने की। अच्छा, आप कुछ दिन पहले एक वीडियो डाले थे जिसमें आपने मार्जिन लिखा था कि इतने में से इतने लोग बाहरी हैं, बस इतने बिहारी। 2-3 उदाहरण आप ले लीजिए ना, RTI से ही खुलासा, TRE1 में 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला 1-5 में, जिसमें से 10,152 महिला दूसरे राज्य की है, तो जो आरक्षण बचा कितना, वो 71% आरक्षण, 35% आरक्षण आप सुप्रीम कोर्ट का या संविधान का ही बटे, राज्य में आरक्षण का जो लाभ है वहां के मूल निवासी को ही मिलता है, 35% आरक्षण बिहार के महिलाओं को मिलेगा, 4% आरक्षण यहाँ के दिव्यांग लोगों को मिलेगा, तो ये आरक्षण का लाभ आप लाभ दे रहे हैं किसी दूसरे स्टेट के लोगों को। तो हम तो वही कहना चाहते हैं जब आप नौकरी बांटे और सब दूसरे स्टेट के लोग ले गए तो बिहार के लोगों के लिए कुछ बचा है, कुछ बचा है तो कहिए। तेजस्वी यादव जी से ही सवाल है कि आप ही को कुछ बचा है तो कहिए, फिर आप आइएगा तो कहिएगा हमने नौकरी दिया। आज सवाल TRE3 में या TRE4 में जो अगली बहाली आएगी, सब में, सिर्फ शिक्षक बहाली का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सब में बात कर रहे हैं, सिविल सेवा से लेकर दरोगा, सिपाही, इन्फोर्समेंट और सब जगह, कि आपने तो नौकरी ओपन कर दिया कि आइए और लेकर चले जाइए, नहीं आरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, नहीं यहाँ सर्टिफिकेट। बहुत लोग बोलते हैं कमेंट में कि बिहार वाले ज्यादा बोल रहे हैं, बिहार वाले बहुत अपना मांग उठा रहे हैं, हम लोग नौकरी नहीं कर रहे, हम लोग नहीं आए। बिल्कुल आप आए, हम लोग तो स्वागत करते हैं, लेकिन फर्जी 12 तरीके से नहीं ना आ जाइएगा। हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण के नियम का ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, हम ना उत्तर प्रदेश से हमको दुश्मनी है ना हमको झारखंड से, ना किसी, सब अपना है, सब अपने हैं, फिक्स हो जाना। लेकिन अगर कोई राज्य, अभी हाल में ही हेमंत विश्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर है, BJP के मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि 100% डोमिसाइल। आप बताइए, आप अगर चल, हाँ 100% नहीं जा पाएगा कोई, नहीं जाए। अरे भाई 20 राज्य को उदाहरण आपको दे रहा है, उत्तराखंड, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आप कई राज्य में, बंगाल में, बाहर नहीं, आप बाहर वाला वहाँ बच्चा का मजदूरी करते हैं बाहर, वही बात। अगर आपका, अगर आप में है कि आपको अगर लेना है, आपको वहां जाइए ना भाई, तमिलनाडु चले जाइए, तमिल आपको एक भाषा वहां का, तो वहां से भाषा तो आप सीख नहीं पाइएगा, तो यहाँ तो आप आ सकते हैं। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में नौकरी की मारामारी है, बिहार पहले से ही गरीब पिछड़ा हुआ, यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण, यहाँ पर सारी चीज बिहार में है, और उसके बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री जब नौकरी की बात, जब आप बांट रहे थे रेवरी की तरह नौकरी बांटे, निश्चित नो डाउट की बात है, ये लोग ध्यान देंगे TRE 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू करवाएंगे या फिर से अपनी मर्जी का करेंगे? TRE 3 में, अभी TRE 3 के रिजल्ट पे प्रकाशन में देर है, हम बार बार कह रहे हैं कि आपने जो फर्जीवाड़ा किया है, आज फर्जीवाड़ा करके बड़े पैमाने पर लोग फर्जी बनाकर सर्टिफिकेट, हम तो कोर्ट के हवाले से लीजिए ना भाई, सीटेट में कोई राज्य बाकी है, कोई जिला बाकी है, अभी आप देख लीजिए, अभी नालंदा से निकला है 371, उसके पहले सारण से निकला, जो निकल रहा है उस पर कौन बैठ रहा है? कोई नहीं बैठ रहा है, वो खाली। तो यही तो मांग कर रहे हैं कि पूरक परिणाम से भी आप नहीं दिए, कोर्ट के आदेश का अवहेलना हुआ है, कोर्ट का आदेश का अवहेलना, कोर्ट के तो का कोई भी अवहेलना नहीं करता, तो शिक्षा विभाग को इतना पावर, इतना हिम्मत कैसे?
यही बात हम कह रहे हैं, हम तो इस मामले में मिलने का भी प्रयास किए, नहीं मुलाकात हो पाई। ये सिद्धार्थ द्वापे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, आप एक बात बताइए, कोर्ट के आदेश का लगभग एक महीना ज्यादा बीत गया समय, एक जजमेंट नहीं आया है, 125 का जजमेंट आया, 1151, दूसरा जजमेंट हिंदी भाषा जो चेंज किया उसमें आया, उर्दू वाले का मामला आया, कंप्यूटर साइंस में भी चेकिंग चल रहा है। तो आप अगर कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना कर रहे हैं फर्जी तरीके से आप बहाल करते हो, उस पर कुछ नहीं। आज जो मेरिट वाले हैं जिनका उम्र खत्म हो गया, एक नंबर दो नंबर मिनिमम कटअप को पार कर लिए, आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल पुनः लागू करे, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं सबको आना है, संविधान के हवाला देंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता ये चीज, क्योंकि सब लोग शिक्षक अभ्यर्थी भी लगातार फोन करके बोल रहे हैं, उनका कहना है ना कि जो ये TRE 1-2 में जो फर्जीवाड़ा करके अंदर घुसे थे जिनको बाहर कर दिया गया, अब TRE 3 में यही गेम हो जाएगा, TRE 3 में उसको भर दिया जाएगा और 3 में फिर सीट गायब हो जाएगा। देखिए ये पहले से ही चल रहा है खेल, 1,70,000 का 1,20,000, वो आंकड़ा 75,000 से 80,000 पर आ गया, सीट को बचाते हैं ये लोग, 40,000-50,000 सीट बचा लिए, नियोजित शिक्षक भी उसमें है। अच्छा, नियोजित शिक्षक पहले 14,000 कुछ समथिंग पास के 700, दूसरा में 11,000 कुछ पास किए, तो नियोजित वाले का भी डाटा उसी में ऐड कर रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको क्या लाभ हो रहा है, यही ना कि राजकर्मी का दर्जा मिल गया और थोड़ा पेमेंट वगैरह जिन क्लास में आगे पीछे होंगे उस पे पेमेंट बढ़ जाएगा। सीधे सीधे अब सवाल यही है कि आपने जो फर्जीवाड़ा किया और उसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर दूसरे राज्य के भी लोग हैं, मैं उत्तर प्रदेश का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों अधिकारी अतुल प्रसाद जी BPSA का पूर्व चेयरमैन और पूर्व सचिव शिक्षा विभाग का ACS के पाठक, ये दोनों यूपी के निवासी हैं। तो हम अगर बात करेंगे कि आपने फर्जीवाड़ा किया, समय था जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो बहुत बोलते थे, अभी वाले शिक्षा मंत्री कुछ बोलते नहीं। वो बोलते थे ना, जब ये सवाल हुआ कि क्यों आप डोमिसाइल नीति के, तो बोले कि बिहार में मेरिट का कमी है, साइंस के टीचर अभी वाले अभी वाले तो काफी योग्य व्यक्ति हैं, IPS अधिकारी रहे हैं, बोलते हैं। तो ये इनका कहना है कि कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं है, सब जगह बिहार के लोग भी नौकरी कर रहे हैं, तो फिर ये 20 राज्य का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? आप ही के तो सहयोगी दल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है असम में, जहाँ के मुख्यमंत्री सौंदर्य प्रसाद डोमिसाइल नीति हम यही कह रहे हैं आपको देना है आरक्षण। DV आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट बस कुछ दिन में आने वाले, आंसर की में बहुत सारी गलतियां हुई थी वो सुधारा जाएगा, उसके बाद DV जो हो रहा है, ये मामला जो उठ रहा है कि रिजल्ट से पहले, ये कितना सही? दो प्रमुख मुद्दे हैं जिसके लिए 9 तारीख से लेकर 11 तारीख डेट चेंज, मतलब हो सकता है फ्लक्चुएट, वो 9 या 11, इस पर पूरे राज्य में डोमिसाइल नीति और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इसलिए मांग हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आप जो 87,000 पद की वैकेंसी निकाले TRE 3 में, और उसमें भी आप कह रहे हैं कि हम TRE 1 और TRE 2 के जो बचे सीट हैं उसको कंपनसेट करेंगे, इसका मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट खत्म हो गया। आप बताइए ना भाई, स्टेट 11 में लिए, 19 में लिए, जो लोग पास कर गए आज उनका उम्र 35-37 साल हो गया, एक बार बैठे मिनिमम कटअप को पार भी कर लिए हैं, उसके बाद पूरक परिणाम आप जारी नहीं, अचानक वो गायब हो गया BPSC 2। अब BPSC 2, उसके बाद जो है सो कह रहे हैं कि अब BPSC में लाखों वैकेंसी, अब तो मुख्यमंत्री जी घोषणा किए 10 लाख नहीं हम तो 12 लाख नौकरी देंगे। DV पहले होना चाहिए कि बाद में? डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले हो रिजल्ट के प्रकाशन से, और पहले 1-5 का, जैसे कि OMR में आ रहा है 1-5, 6-8, 9-10, 11-12, सारे चीजों पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन या तो BPSC करे या शिक्षा विभाग करे। हम लोग को इससे मतलब है कि आप ठोक बजा के TRE 1 TRE 2 में जो गलती हो गई है उसको न दोहराया जाए, इसलिए हम लोग का मांग है, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर और पूरक परिणाम के लिए।